हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नियॉन आउटलाइन इफेक्ट पे एक वीडियो लेके आऊँगा, हाजिर हूँ उसका वीडियो लेके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। तो उसके लिए मैं पहले इन चीज़ों को डिलीट कर लेता हूँ। तो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और इस फ़ोटो को भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके ठीक है। अब ये फ़ोटो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है तो मैं इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ओके ये फ़ोटो रही, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो नियॉन आउटलाइन इफेक्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ करनी है कि हमें जो भी फ़ोटो पे इफेक्ट डालना है उसको हमें सबसे पहले ट्रेस करना होगा। तो हम उसको ट्रेस करने के लिए उसको जूम कर लेते हैं। उसके बाद हम बी स्प्लाइन जो टूल है उसका यूज़ करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम फ़ोटो को एकदम धीरे धीरे अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। बहुत ही नाजुक काम है, आप लोग भी बहुत आराम से करिएगा। थोड़ा जल्दीबाजी करने में पूरा का पूरा इफेक्ट ख़राब हो जाता है। तो इसको बहुत ही प्यार से धीरे धीरे इसको ट्रेस करना है। और मैं वही दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन जो है उसको दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने पर आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो जिस तरीके से मैं धीरे धीरे इस फ़ोटो को ट्रेस कर रहा हूँ, आप भी धीरे धीरे इस फ़ोटो को ट्रेस करिए, क्योंकि बहुत ही नाजुक काम है और आप मुझसे भी अच्छे जानते होंगे। अगर आप ये चीज़ करते होंगे तो आप इस चीज़ को भलीभांति जानते होंगे कि इसको कैसे धीरे धीरे ट्रेस करना है। मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ, ये काम लंबा है, तब तक हम दूसरी बातें करते हैं कि कोरल ड्रॉ में अगर आपको डिज़ाइनिंग सीखनी है तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ सेम टू सेम आप वैसा करिए। कोरल ड्रॉ में डिज़ाइनर बनने के लिए आपको क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी, जैसे आप मार्केट में निकलते हैं उनको क्रिएटिव चीज़ों के लिए कुछ भी देखिए, उनको अपने पास अपने लैपटॉप पे आइए, बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि उस तरीके से आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ बता ही दे रहा हूँ, सेम टू सेम अगर आप चीज़ वो चीज़ करेंगे तो आप सेम टू सेम डिज़ाइन बना लेंगे, लेकिन कुछ अलग बनाने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी। मैं सिर्फ टूल बता दे रहा हूँ कि किस टूल से क्या चीज़ें होती हैं। मेरे वीडियोस के यही पर्पज़ हैं कि आपको कोरल ड्रॉ पे चीज़ें सिखाई जाए, ना कि मेरे व्यूज़ बढ़ाए जाए। व्यूज़ तो बढ़ेंगे तो अच्छी बात है, फ़िलहाल वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जो मेन बात थी, जो मेन मुद्दा था, मैंने आपको वो बता दिया। तो मैं इसको धीरे धीरे जो है ट्रेस कर रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे आपको इसको पूरा ट्रेस करना है, और ट्रेस करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर इस पर आपको और ट्यूटोरियल्स चाहिए कि ये जो आउटलाइन इफेक्ट है इस पर और दो तीन तरीकों से कैसे यूज़ किया जा सकता है इस टूल को, तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप टूल का यूज़ करना सीखेंगे उतना ही अच्छा आप एक डिज़ाइनर बन पाएंगे कोरल ड्रॉ के लिए। तो मैं इसको धीरे धीरे बारीकी से ट्रेस कर ले रहा हूँ। ओके ये ट्रेस हो रहा है। ओके ठीक है। तो आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो मैं फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि तभी आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और मैं इसको ट्रेस कर ले रहा हूँ, रुक जाइए, बस ये होने ही वाला है। ओके ठीक है। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ वही, आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो वो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, आपको ब्रोशर्स चाहिए, आपको विजिटिंग कार्ड चाहिए, आपको बैनर चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए मैं उसको देखूँगा और फिर मैं उसको बनाऊँगा। ताकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो मेरा काम है उस चीज़ को आपको बताना। तो ये मैंने इसको ट्रेस कर लिया, इसकी पॉइंट जो है मैं इसको दो पॉइंट पे कर ले रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है, ये दो पॉइंट पे सेट हो गया तो मुझे जाना है, और एक टूल है, आप उस टूल को बहुत अच्छे से जानते हैं, उस टूल का नाम है ड्रॉप शेडो टूल, उसको सेलेक्ट करना है और ऊपर से लेकर नीचे तक उसके शेडो को दे देनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ये शेडो देने के बाद हमें क्या करना है, हमें रेड इफेक्ट देने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं रेड कलर चूज़ कर ले रहा हूँ, आप जो इफेक्ट देना चाहें वो इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
इसको नॉर्मल पे सेट कर देना है। नॉर्मल के बाद ये जो है इसको आपको जाके आउटसाइड पे कर देना है, तो ये ग्लो इफेक्ट आ गया। अब क्या करना है कि इसकी जो ग्लो इफेक्ट है इसको आप सेट कर लीजिए। मैं 10 पे कर रहा हूँ, आप 5 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाह रहे हैं। लाइन ब्लैक है, लाइन को भी हम सेम रेट कर देंगे कि इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो आपको नियॉन इफेक्ट था वो एकदम साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अभी एक चीज़ है, इसको ब्रेक अपार्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट पर जाता हूँ, ब्रेक अपार्ट करना है। एक सेकंड, इसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं पूरा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और दोबारा ऑब्जेक्ट पर जाके ब्रेक ड्रॉप शेडो अपार्ट इसको मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये जो एक चीज़ है ये फाइनली आपको देखेंगे तो नियॉन आउटलाइन इफेक्ट आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसे बनाया मैंने। आप भी बना सकते थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, अब तो आप समझ भी गए होंगे ये कैसे बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, जो भी करिए बस मेरे चैनल को ग्रो करा दीजिए। तो इसी के साथ मैं आपसे थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उस काम को शिद्दत से करिए, क्योंकि किसी काम को शिद्दत से जब आप करेंगे तो वो काम आपसे दूर कभी नहीं हो पाएगा। और मैं इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से जानता हूँ, क्योंकि मैंने इस डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए, कोरल ड्रॉ डिज़ाइनर बनने के लिए बहुत मेहनत की है, काफ़ी शिद्दत से काम किया है। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ और आपसे कहूँगा कि मैं जल्द ही एक वीडियो इस पर लेके और आऊँगा। इसी के साथ आपसे बाय बोलता हूँ और थैंक यू।